हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पेरोल सीखने के सीरीज में ये जो टैली की वीडियो है इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के, तो यहां पर पेरोल को हमें चालू करना है। एक कंपनी माई कंपनी एट द रेट इंडिया के नाम से बनी हुई है हमारे पास, और इसमें हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है लोगों को। जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, 4 हो 5 हो 10 हो, इन लोगों को सैलरी प्रोवाइड करनी है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या बनती है? पहली रिक्वायरमेंट तो यही बनती है कि हम अपने कंपनी में पहले पैसा रख ले। हमारे कंपनी में अगर कैश होगा तभी हम सैलरी दे पाएंगे, या फिर हमारे बैंक में पैसा होगा तभी हम सैलरी दे पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से वी प्रेस कर लेता हूं या यहां पर। तो ये अभी सिंगल एंट्री मोड में दिखा रहा है। हम चलेंगे रिसिप्ट वाउचर में, तो ये आगे रिसिप्ट वाउचर में, ये सिंगल एंट्री मोड है। डबल एंट्री मोड में जाने के लिए हम यहां से प्रेस करेंगे F12 बटन। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो यहां पर ये विंडो ओपन होती है। यहां पर दिखा रहा है जनरल डिटेल्स, उसके ठीक नीचे है डेबिट क्रेडिट, तो ये ऑप्शन नो है। इसको मैं चालू कर देता हूं, यस कर देता हूं और कंट्रोल ए कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि अभी भी इसका सिनेरियो कुछ इसी तरीके का है। यहां से चेंज मोड पे चले जाइए और इसको डबल एंट्री मोड कर दीजिए। बस यहां पर ये करते ही यहां पर डेबिट क्रेडिट आने लगेगा। तो अब यहां पर हमें एक लेजर बनाना है, किसका? कैपिटल अकाउंट का। जी हाँ, कई सारे वीडियोज में लाइव में भी मैं बता चुका हूं ये कैपिटल अकाउंट का काफी ज्यादा महत्व है। तो ये कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने, एंटर किया। ये कैपिटल अकाउंट आपके कंपनी की पूंजी जो है उसे कैपिटल बोलते हैं। जो भी पैसा आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कुछ कैपिटल मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, कंपनी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो डाल देंगे, ये हो गया। अब यहां पर आते हैं तो यहाँ पर डेबिट दिखा रहा है, तो कैश को डेबिट कर देंगे। आप बैंक के थ्रू जा रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमारे पास कंपनी में पैसा हो चुका है। यहाँ पर देखिए जो दिखा रहा था नो वाउचर एंटर्ड, यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 दिखाने लगा क्योंकि एंट्री पास हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेरोल पे चलना है। तो यहां से चलते हैं क्रिएट पर, क्रिएट दिख रहा है, यहां पर आएंगे और यहां पर दिया हुआ है एम्प्लॉय ग्रुप। तो हम चाहे तो एम्प्लॉय का ग्रुप बना सकते हैं, तो यहां पे चलते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ काम होंगे, जैसे कि अलग अलग तरह के वर्क होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के वर्क का मतलब हो गया ऑफिस स्टाफ। तो ये एक बना दिया मैंने ऑफिस स्टाफ, एक ये हमने ग्रुप बना दिया, क्लियर। यहां पर अभी आपको सैलरी डिफाइन नहीं करनी है। अब दूसरा मैनेजेरियल, मैनेजेरियल वर्क, ठीक है, ये डाल दिया मैनेजेरियल। मैनेजेरियल के नाम से एक ग्रुप बना दिया मैंने, चलिए ठीक है। ये दो ग्रुप हमने बना दिया, इसी के अंतर्गत बहुत सारे एम्प्लॉयज को हम डालेंगे, ठीक है। तो ग्रुप तो बन गया। अब यहां पर दिया हुआ है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अभी नहीं बनाएंगे, यूनिट बना लेते हैं। तो ये यूनिट पे आए, और यूनिट कैसे बनाएंगे, यहां पर मैं लिखता हूं आवर्स, एच आर एस सिंबल दे दिया, एच आर एस एंटर किया। यहां पर पूरा नाम एच ओ यू आर एस ये दे दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। तो ये हो गया आवर्स। अब यहां पे मिनट बना लेते हैं, तो एम आई एन लिखा, और यहां पे पूरा लिख देता हूं एम आई एन यू टी ई एस, मिनट्स हो गया। यहां पर आए, इसको एक्सेप्ट करा लिया, इस तरीके से करना है। अब एक बार आपको बैक स्पेस की प्रेस करनी है, और यहां पर कंपाउंड यूनिट भी बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में यह बताता ही हूं आपको, यहां पर भी आपको बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहां पर 60 डाल करके एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा करके आगे बढ़िए, बाहर आ जाइए। यूनिट भी क्रिएट हो गया, अटेंडेंस पे चलते हैं, ये आ गया अटेंडेंस पे। तो यहां पे बना लीजिए लीव, ठीक है। आपको क्या बनाना है, एल ई ए बी ई लीव बनाना है। यहां पर आए, यहां पर हमने ग्रुप बनाया हुआ है, यहां पे फिलहाल प्राइमरी रखते हैं। यहां पर आते हैं, यहां पर जैसे ही आते हैं तो लीव जो है लेंगे तो पैसा कट जाएगा, तो लीव विदाउट पे कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा ना कटे तो लीव विद पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब लीव हमने बना लिया। अब यहां से बाहर आ जाते हैं, यानी कि हमने अटेंडेंस भी बना लिया। अब पेहेड बनाते हैं, तो पेहेड में बहुत सारी चीजें हम बनाएंगे। पहला बनाएंगे बेसिक सैलरी, जैसा कि मैं आमतौर पर बताता हूं आपको, बेसिक सैलरी बनाना है आपको, तो ये बना लिया बेसिक सैलरी, सैलरी होगा ये एस ए एल ए आर वाई, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सैलरी, एंटर किया, एंटर किया। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है, ये फिक्स रहेगा, आप चाहे तो वेरिएबल भी रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वेरिएबल नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इसे डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, और यहां पर ऑन अटेंडेंस रखेंगे। इसको क्या रखेंगे, ऑन अटेंडेंस, ध्यान रखिएगा इसको क्या रखना है, ऑन अटेंडेंस। और यहां पे लिखा हुआ है अटेंडेंस ऑब्लिक लीव विद पे, लीव विद पे नहीं, नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं, लीव विदाउट पे को लीव कर देते हैं यहाँ पे। और ये काउंट होगा मंथ वाइज, ध्यान रखिएगा डे वाइज काउंट नहीं होगा, मंथ वाइज काउंट होगा। यहां पर आए,
और यहाँ कैलेंडर पीरियड करके और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। क्लियर, एक्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ये लिखा ट्रेवलिंग इस तरीके से, फिर लिखा ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई एन सी, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया। एंटर किया, एंटर किया। यहां पर आते हैं तो यहां पर हमें करना है इसे अर्निंग फॉर इंप्लॉइज, फिक्स्ड रहेगा ये भी और ये भी रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां पर एंटर करते हुए आ जाएंगे। यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर हम ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे इसको, ठीक है। ऑन कंप्यूटेड वैल्यू भी रख सकते हैं, फ्लैट रेट भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऑन कंप्यूटेड रखते हैं क्योंकि यहां पर बेसिक सैलरी के आधार पर ये कैलकुलेशन हम करेंगे और ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां बेसिक सैलरी ले लिया हमने, एंड ऑफ लिस्ट किया, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और अगर सैलरी 10,000 तक है, 10,000 तक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर 1% परसेंट कर लिया मैंने, यहां पे 1% मिलेगा क्या आपको टीए, ठीक है। अगर सैलरी 10,000 से ज्यादा है और कहां तक है 30,000 तक है, 10,000 से लेकर 10,000 से ज्यादा है और कहां तक है 30,000 तक, तो ऐसे में मिलेगा 1.5%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1.5 कर रहा हूं, और 30,000 से ज्यादा है तो ऐसे में मिलेगा 2%। तो ये कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब ये डियरनेस अलाउंस बना लेते हैं, डीए। तो ये बनाया डीए, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, ये भी फिक्स्ड रहेगा और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, और एंटर करते हुए यहां आएंगे और यहां भी क्या कर देंगे हम ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, यहां पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और यहां पर आएंगे तो ये कहेगा अर्निंग टोटल, तो यहां पे क्या करना है आपको ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। क्या करना है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला हमने कर दिया है और यहां पर करेंगे बेसिक सैलरी, क्या करेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बेस पे ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सैलरी अगर 10,000 तक है, ठीक है, ये देखिए ये 10,000 कर दिया तो डीए आपको कुछ नहीं मिलेगा, 10,000 तक है तो यहां परसेंट रहेगा 0, ध्यान दीजिएगा। 10,000 से ज्यादा और 20,000 तक है, ध्यान दीजिएगा 20,000 कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पर मिलेगा 0.5%, कितना सैलरी का 0.5%, और 20,000 से ज्यादा चाहे जितना हो तो उसमें मिलेगा 1%, ठीक है। इस तरीके का स्लैब मैंने बना दिया, निर्धारित कर दिया। अगर आप और भी पेहेड बनाना चाहते हैं तो और भी पेहेड्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ओवर टाइम भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ एक और पेहेड बना लेते हैं, ओवर टाइम। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो क्या होगा, तो ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ठीक है, और ये भी फिक्स्ड ही रहेगा और यहां पर इसको करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहां पर आते हुए यहां पर आएंगे तो ये हम करेंगे ऑन प्रोडक्शन। अगर ओवर टाइम करते हैं तो ये ऑन प्रोडक्शन रहेगा और यहां प्रोडक्शन टाइप हमें बनाना होगा, ठीक है। तो यहां पे अल्ट सी करके हम प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे, लाइक यहां पे बना लेते हैं ओटी ओवर टाइम, ओवर टाइम टी आई एम ई, ओवर टाइम बनाया, एंटर किया, एंटर किया। यहां पर प्राइमरी रखेंगे और यहां पे ये देख सकते हैं ये मैंने बनाया है, इसमें जाकर के इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। यहां पर आए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, इस तरीके से आप चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने बहुत सारे पेहेड्स बना लिए। अब क्या करना है, आप चाहे तो वाउचर टाइप भी बना सकते हैं, फिलहाल वाउचर टाइप को भी बनाने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय क्रिएशन करना है। तो कभी कभी हम यहां से एम्प्लॉय क्रिएशन न करके हम पेरोल वाउचर में ही एम्प्लॉय क्रिएशन करते हैं, ठीक है, अटेंडेंस वाउचर में। तो यहां से वाउचर पे चलते हैं अदर वाउचर पे और फिर यहां से आते हैं अटेंडेंस पे। तो हमें अटेंडेंस में आकर के यहां पर एक अटेंडेंस बनानी होगी, यहां ऊपर क्रिएट दिख रहा है यानी एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय हमने बनाया नहीं। तो यहां पे पहला एम्प्लॉय बना रहा हूं अभय नाम से, अभय, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया। यहां पर प्राइमरी दिखा रहा है, एक बार बैक स्पेस की प्रेस कीजिए, ये मैनेजरियल स्टाफ है या ऑफिस स्टाफ है। तो मान लीजिए ये ऑफिस स्टाफ है, 1 अप्रैल से इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, यहां पर सैलरी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए ये इनकी बेसिक सैलरी यहां पर आएगी, तो इनकी बेसिक सैलरी हमें खुद टाइप करनी होगी। तो ये 25,000 इनकी बेसिक सैलरी है, ध्यान दीजिएगा कितनी है 25,000। इनको डीए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, ओवर टाइम यहां पर हमें देना होगा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ट्रेवलिंग अलाउंस खुद से कैलकुलेट होगा, सारी चीजें ये खुद से कैलकुलेट होंगी। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां पर इनका एम्प्लॉय नंबर जो भी हो वो दे दीजिएगा। डेजिग्नेशन ये क्या है, तो ये ऑफिस स्टाफ है, तो OFFICE ऑफिस स्टाफ यहां कर दीजिएगा इस तरीके से। तो ये हो गया ऑफिस स्टाफ, एंटर करेंगे। फिर यहाँ फंक्शन इनका, ये सारी चीजें डालते हुए आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा लास्ट तक, पेन नंबर वगैरह सब डाल दीजिएगा इनका, ये सही। अब देखिए यहां पर ये लीव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं और ओवर टाइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दोनों, तो पहले ओवर टाइम की बात करते हैं। तो ये इन्होंने ओवर टाइम किया 2 घंटे की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहां पर अभय ही हैं,
जो क्या करेंगे, लीव भी लेंगे। तो यहाँ पे लीव ले रहे हैं, ये कितने दिनों की लीव ले रहे हैं, 5 days की लीव ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 days मैंने किया है। ओके, अब यहां पर एक और इंप्लॉई है, ठीक है, यहां पर क्रिएट कर रहा हूं एक और इंप्लॉई, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं निर्भय, तो अभय एक हो गए, एक निर्भय हो गए, तो यहां पर दो इंप्लॉई हो गए और दोनों ही इंप्लॉईज का नाम हमने लिख लिया। यहां पर एक बार बैकस्पेस की प्रेस कीजिएगा, ये मैनेजेरियल स्टाफ है, तो यहां पर डाल दिया हमने, और इनकी सैलरी को भी यहां से डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया इनकी बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इनकी है 40,000 रुपए, ठीक है, यहाँ 40,000 डाल देते हैं, ये 40,000 हो गया। फिर यहां पर आते हैं, तो यहां पर अब ट्रेवलिंग अलाउंस खुद से आएगा, डीए खुद से आएगा, ओवर टाइम है, ठीक है, सारी चीजें हमने दे दी। अब एंटर करिए, यहां पर इनका एम्प्लॉई नंबर जो भी होता हो डाल दीजिए, बाकी की डिटेल आपको भरनी है सारी। चलिए इसको स्किप करते हैं, आप भर लीजिएगा सारा डिटेल, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, जो भी चीजें हैं इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराइएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवर टाइम की, पहले ओवर टाइम ही बात कर लेते हैं। तो जितना ओवर टाइम ये करते हो, तो जैसे मान लीजिए कि 6 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे निर्भय नाम है इनका, और ये लीव कितना ले रहे हैं, तो लीव ले रहे हैं 1 दिन की, ठीक है, ये 1 दिन की लीव ले रहे हैं। तो ये दो लोगों का डिटेल तैयार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें कहाँ चलना है, इन दो लोगों को सैलरी देने के लिए कहाँ चलना है, वापिस से चलना है पेरोल वाउचर में। तो ये आ गया पेरोल वाउचर में, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हम इनको कैश में पेमेंट देंगे, ठीक है, हमारे पास पैसा है मौजूद, और हमको खुद से यहाँ कुछ नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ खुद से आपको कुछ नहीं देना है। यहां पर जैसे ही आते हैं, तो यहां पर क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे ऑटो फिल पे जाना है, ये ऑटो फिल पे जैसे ही जाते हैं तो पेरोल ऑटो फिल आ जाता है, और फिर यहां पर हम इन्हें सैलरी दे रहे हैं, सैलरी, तो ये सैलरी चूज कर लीजिएगा, और यहां पर डेट चेंज कर दीजिएगा, 1/5 कर दीजिएगा, अगर आप 30 तारीख को देना चाहते हैं 30 तारीख को भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे में दिक्कत है, एजुकेशनल मोड है, ठीक है। तो यहां पर ये अब ग्रुप कह रहा है, तो ये ऑफिस स्टाफ का ग्रुप है एक लोगों का, यहाँ पे एम्प्लॉई नेम, और यहाँ पे इनको कैश में सैलरी दी जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर ग्रुप आप डालना चाहते हैं, तो जो भी ग्रुप है ग्रुप वाइज सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए एक ही लोग, अब दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग ग्रुप को आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑल आइटम कर देंगे, इसमें दोनों आ जाएगा, ठीक है, और इनको कैश में सैलरी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लोगों की सैलरी कट करके आ चुकी है, देखिए दोनों लोगों की सैलरी का पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, क्लियर है कि नहीं, देख लीजिएगा एक बार, दोनों लोगों की सैलरी का पूरा डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ, एक्सेप्ट कराने के बाद इसका प्रिंट आउट यानी पे स्लिप दिखाता हूँ, प्रिंट आउट नहीं बल्कि पे स्लिप दिखाता हूँ। पे स्लिप कहाँ आएगा, तो पे स्लिप के लिए हमें चलना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखिए ये आ गए, और यहां से आएंगे कहाँ, ये आ गए नीचे, यहाँ पे मिलेगा आपको पेरोल रिपोर्ट, तो यहाँ पर आ जाइएगा, और ये देखिए ये आपकी पे स्लिप है। ऑल आइटम्स में चूज करता हूँ, और यहाँ पर मैनेजेरियल की बात करें, तो यहाँ पर निर्भय की सैलरी स्लिप यहाँ पर जनरेट हुई है, ये देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अल्ट पी कीजिएगा, एंटर करिएगा, और यहाँ आई बटन प्रेस कीजिएगा, तो इनकी पे स्लिप यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये देखिए ये इनकी पे स्लिप है, इनकी निर्भय की, ठीक है, ये मैनेजेरियल स्टाफ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी सैलरी कटी भी है, क्योंकि इनकी सैलरी थी 40,000 रुपए, और उसके बाद से इन्होंने कुछ ओवर टाइम भी किया है, ठीक है, जिसका अमाउंट 36 रुपए बना हुआ है, देख सकते हैं ये ओवर टाइम का अमाउंट है 36 रुपए, और यहाँ पे डीए है इनका, देख सकते हैं ये डीए का अमाउंट है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ, टीए भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है, समझ रहे हैं। तो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, जो एब्सेंट थे उसकी वजह से इनका कुछ पैसा कटा भी है, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी।